क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास फोन तो है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। लोगों को बात करने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। जंगल में आकर पड़ता था, नेटवर्क की समस्या थी। ईडान बीमार पड़े रही है, हम मतलब फोन भी जा नहीं पाए, मतलब स्थान पे जाकर के ढूंढना पड़ता है, तब कहीं नेटवर्क का काम करता है। एक ओर जहां हम चांद पर पहुंच चुके हैं और 5G नेटवर्क भारत में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे गांव की जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है। लोगों को बात करने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। बालोद के मगरदाह गाँव में मोबाइल में नेटवर्क ढूंढना दिन में तारे ढूंढने के बराबर है। यहाँ तो साहब ऐसे नेटवर्क है कि कोई जगह मिलते नहीं, घर पे गांव पे नेटवर्क का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोबाइल नेटवर्क ना होने का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना काल में जब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए तो बच्चों को पढ़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। घने जंगल होने के कारण जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है। हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं है तो मेरे माता पिता मुझे डोंडी के हॉस्टल में भर्ती किए हैं, तो मैं वहीं रहकर पढ़ाई करती हूँ। और जब मम्मी पापा से बात करनी होता है तो बात नहीं हो पाती है, यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे गाँव में नेटवर्क की बहुत परेशानी है, क्योंकि हमको अगर पढ़ाई करना हो या किसी से बात करना हो या कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बहुत दूर ऐसी जगह में आना पड़ता है जहाँ पर ना कोई घर दिखता है ना कोई आदमी दिखता है। ऐसी जगह में आके हमें अकेले आना हो या किसी को लेकर आना हो तो हमें यहाँ पर आकर बात करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मगरदाह गाँव जैसे कई और भी गाँव हैं जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचा। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सरकार गाँव को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। बालोद से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए लक्ष्मीकांत बसोड़ की रिपोर्ट।